हलघाट नर्मदा स्नान के दौरान एक युवक डूबा पानी में, सर्चिंग जारी। इंदौर के 5 युवक हलघाट नर्मदा स्नान करने के लिए आए थे। धार जिले के हलघाट नर्मदा नदी पर आज गुरु पूर्णिमा पर इंदौर के 5 युवक नर्मदा स्नान करने के लिए आए थे। नर्मदा घाट पर स्नान करने के दौरान एक साथी जितेंद्र पिता चंपालाल सुरागे दामोदर नगर पुलिस थाना चंदन नगर इंदौर उम्र 21 साल गहरे पानी में चला गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। नर्मदा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था में लगी NDRF की टीम के गोताखोर दिनेश वर्मा ने बताया कि करीब 3:30 बजे एक युवक स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने के कारण लापता हो गया, जिसे लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चला। जफर अली की रिपोर्ट, FM डिजिटल स्टूडियो। की घटना हुई, क्या कुछ मामला है? वो 3:30 बजे के करीब हुई है अंकल। हाँ, 3:30 बजे हम 5 लोग इंदौर से आए थे। इंदौर में रामानंद नगर में रहते हैं चारों पांचों जने। वो हम वहाँ पर नहा रहे थे, उस जगह से नहाते नहाते हम चारों जने पांचों जने उधर ही नहा रहे थे। अचानक भाव तेज हुआ, वो वहाँ एक डुबकी लगे, तीसरी वहाँ लगे, चौथी वहाँ लगे, और उसके बाद में वो हमको नहीं दिखा। अच्छा, जितेन सुरागे नाम है। जितेन सुरागे, उम्र कितनी है उसकी? 21 साल। अच्छा, आपका नाम क्या है? गौतम रूपाले। अच्छा, ढूंढने का कोई प्रयास किया जा रहा है? डूबने का ये ढूंढा जा रहा है, 4-5 गोताखोर यहीं पर लगे हुए। चलो ठीक, आपका नाम क्या है? गौतम रूपाले। आज डूबने की घटना हुई, कहाँ का युवक डूबा है? ये इंदौर का बता रहे हैं, इनके 4 दोस्त नहाने आए थे, एक गहरे पानी में जाने से डूब गया। उसकी DRC केंद्र धर्मपुरी द्वारा क्लास की जा रही, पूरी टीम लगी है। अभी थोड़ी देर में और हम रस्सी जाली और लाइफ जैकेट के द्वारा पानी के अंदर उतर के फिर देखेंगे। आपका नाम? दिनेश वर्मा, होमगार्ड सैनिक, DRC केंद्र धर्मपुरी। Subscribe now to most exciting channel ever.